दुमका जिला जामा प्रखंड के अंतर्गत बारह पलासी बाजार हटिया परिसर में लगा आम का सूखा बड़ा पेड़ दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों एवं हटिया में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने बताया कि यह पेड़ करीब दो साल पहले ही मर गया है और सूख गया है, जो कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ी घटना घट सकती है, जो हम दुकानदारों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दुकानदार संजय शाह ने कहा कि जान जोखिम में डालकर दुकान लगाते हैं, क्या करें, रोजगार का सवाल है। स्थानीय दुकानदार सह सामाजिक कार्यकर्ता विनोद राउत ने बताया कि यह पेड़ काटकर हटवाने के लिए अंचल अधिकारी जामा को आवेदन दिया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि पेड़ काटकर वह हटवा दिया जाएगा। दुखद बात यह है कि आवेदन देने के दो माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कार्रवाई करने की मांग की है। यह कितना दिन से सूखा हुआ पेड़? हो गया करीब एक डेढ़ साल। एक डेढ़ साल से सूखा हुआ, आप लोगों ने क्या पहल किया अभी तक? वही तो लिख के दिए हैं सीओ साहब को, एप्लीकेशन दिए हुए हैं सीओ साहब, सीओ साहब कटाई नहीं रहे हैं। कितना दिन पहले एप्लीकेशन आप लोग दिए? डेढ़ महीना हो गया। क्या आश्वासन मिला उनसे, जवाब कुछ मिला? कर्मचारी से हम लोग बात किए, कर्मचारी बोल रहा है कि पैसा उठाइए 2500-3000 रुपया, तब गाछ कटेगा। हमने बोला कि नहीं भाई, आप पैसा लीजिएगा तो गाछ छोड़ दीजिए, गाछ कटने वाला ले जाएगा, पैसा कौन देगा यहाँ पर। उसके बाद फिर पहल नहीं हुआ है? कर्मचारी से कितना बार बात हुआ, 5-6 बार बात हुआ, लेकिन कर्मचारी ध्यान नहीं देगा। अच्छा, सीओ साहब से दोबारा फिर आप लोग नहीं मिले? सीओ साहब के पास नहीं मिले। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार साहब। आप यही के 24 के लिए दुमका से मनभरन दास के साथ बीरबल दास की रिपोर्ट।